से अलग भाई। तो आप भी रानियां हैं तो ऐसी रानियों को खोजो जिससे रानी से मिलकर उस राजा से जब संबंध हो तो किसी प्रकार की समस्या आ ही नहीं सकती। तो ऐसे वो राधा जमीनती है राधा स्वामी, राधा स्वामी नहीं मालिक, शरीर नहीं है ये नाम रख दिए। इसपे भी तर्क वितर्क हुआ पन्नी गली आगरा के अंदर, जब शालिग्राम ने इस नाम को रखा क्या राधा स्वामी, तो भाई वहाँ बहुत मजाक के जीव थे। कहने जब राधा स्वामी रखा है, हैं किसी की समाज में जाओ बिनती शुरू है, बिनती होगी तब तक काम नहीं होगा, हैं राधा स्वामी का मतलब क्या है, हैं ये शाम क्यों रखा गया, नया नाम रख दिया। तो भाई स्वामी जी महाराज के पास गए तो उन्होंने समझाया भाई के राधा आदि सूरत का नाम सबद आदि था, राधा एक आत्मा है सब एक परमात्मा है, तो आज सब राधा है स्वामी और परमात्मा है जो सबका सृजनहार है, दुखी और दुखी सबका जो संभाल करने वाला है वो है राधा, उस सुख से आपको संबंध करा देगी, फिर आपको घबराने की कोई बात नहीं। संसार के अंदर जो आपके संचित कर्मों का जो लेखा जोखा है, जो समय के अनुसार वर्तमान में जो प्रारब्ध शरीर मिला है, उन संचित कर्मों का भाई भुगतान आपको करना पड़ेगा। आगे के लिए ऐसा कर्म मत बनाओ जो संचित कर्म में कर्म जुड़ सके। तो इसलिए जब सतगुरु के पास जाते हैं वो नूर प्रकाश कब आता है, वो सतगुरु के द्वारा, क्योंकि वो तवज्जो जब मिलती है, नाम जपते रोड़ो से नहीं प्रकाश नहीं आएगा भाई, वो सतगुरु में तवज्जो मिलती है तब रूह का उठान ऊपर को उठता है, उठा तो भाई वो लाइट रोशनी प्रकट हो गई तो आपका जन्म हो गया। किसका? आत्मा का। अभी तक शरीर का था, जब आप लाइट प्रकाश नूर में पहुंच गए तो आत्मा का जन्म हो गया। फिर ये मृत्यु मार में जाओगे तब दूसरा आता शब्द। शब्द क्या है? जब आप शब्द सुनते हैं ये है शब्द, है शब्द सुने ता दूरं भागे, जो राधा यानी आत्मा शब्द को सुनती है कितने भी कसौट मुसीबत आ जाए डट जाओ सतगुरु के नाम पे, कोई ऐसी पावर गलत शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन आप घबरा जाते हो, देख के परेशान हो जाते हो, है प्यारी आत्माएं गुरु की, है ये बड़ा सौभाग्य है आपका, है अमूल्य समय है, समय के आधार पे ऐसे शब्द अभ्यासी महापुरुष का जिन राधाओं को ये सत्संग मिलता है बड़े सौभाग्य है। जन्मों जन्मों का ये लेखा जोखा जो है विचरण जो है, हमें सतगुरु के द्वारा ये मुलाकात होती है, सतगुरु ने आन मिलाया, तो सतगुरु ने हमें संबंध करा दिया, मुलाकात हो गई, तो घबराने की कोई बात नहीं। अभी भाई गुरु प्यारी आत्माएं, अभी सेवा भाई जो है सेवादार की कमी है, हैं धीरे धीरे भाई आप सबको परेशानी भाई है, ये परेशानी धीरे धीरे भाई देखो धीरे धीरे इसकी दूर हो जाएगी, घबराने की बात नहीं। अभी बहुत सी कमियां हैं, टाइम से आपको बैठने को बिछौना नहीं है, न कोई समय से कोई व्यवस्था है, धीरे धीरे सब हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो संशय मत करो, आपको ये नामदान मिला है, घबराने की कोई बात नहीं है, कम से कम अपने घरों में सेवादार है महापुरुष जो सतगुरु है उसका कहीं साल में मिल जाए। इसीलिए संसार के अंदर जिस शरीर के अंदर शब्द प्रकट होता है वो सेवादार को चुनता है, हुक्म देता है, बताओ एक शरीर एक जगह कैसे काम करेगा, तो
है, कोई मुरादाबाद, कोई है मऊ जा रहा है, कोई इलाहाबाद जा रहा है, कोई आगरा जा रहा है, एक शरीर छोड़ जाएगा। तो जहां जहां सेवादार है, सेवादारों के द्वारा वो सतगुरु गुरु जो है वो काम करता है। वो सेवादार जो होता है वो गुरु का रूप होता है, लेकिन संगत के अंदर इतना भ्रम पड़ा हुआ है, असमंजस में जी पड़ जाता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं आता है, विश्वास नहीं आता है। क्यों? कितना समझाने के बाद भी है, जब जीव नहीं मानता है तो फिर क्या होगा, अपनी जिद कर लेता है। चलो भाई कोई बात नहीं, घबरा नहीं, कोई बात नहीं, करो भाई अपनी मन की, लेकिन जैसे तुम करोगे, अगर ऐसे सतगुरु करेगा तो कैसे काम बनेगा, वो तो सबका प्यारा है, वो एक थोड़ा प्यारा है, वो सबको प्यारा है। ये देखो भाई हमारे अंदर कौन सी कमी है, है? उन कमी को अपने अंदर झाड़ के देखो, नो द सेल्फ, अपने आप को पहचानो, है गॉड एंड एक गॉड एंड उसमें पावर, तो कौन सी ताकत है जो सारे संसार को नचा रही है, काम में उलझाई हुई है भाई, उससे फुर्सत नहीं मिल रही है, तो कैसे काम बनेगा। सत्संग का टाइम रखा गया नहीं महाराज, अब शाम को कर लेंगे। अमूल्य जीवन मुझे आपको सतगुरु ने दिया हुआ, उसको आप खो रहे हैं और मनमानी करते हैं, और अपने हैं विचारों के आधार पर काम करोगे तो विचार सिद्ध नहीं होंगे। बात को सुन लो, मनमानी जब करोगे तो मन ये भी किसी का भेजा हुआ है, किसी का अंश है, ये भी बिछड़ा हुआ है, ये भी एजेंट है, ये भी अपना काम नहीं करेगा तो भाई वो मालिक कैसे खुश होगा जिसने भेजा है, जिसका मुखिया निरंजन है, है? तो फिर उसके कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं से मुकाबला कहाँ करोगे। ये जो शरीर है, सुबह सुबह हमारे है राय साहब देखो यहाँ सुबह प्रवचन देते हैं, आजमगढ़ से रहने वाले हैं, ध्यान से सुनते भी है, है? आप सबको भी मिलता है समय के आप, और भी सेवादार है, किसके किसके नाम लूं, जैसे इशारा थी जैसे एक के लिए ऐसे सभी के नाम है, घबराने कोई बात नहीं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होता है। अब कहते महाराज जी हमारी तो समान है कि हमें देखते नहीं, हमें और परेशानी दूर नहीं करते हैं, ऐसा भाई नहीं है, किसी के अंदर भरा नहीं होना चाहिए भाई, है घबराने कोई बात नहीं है, ये सब गुरु जानता है, उसे छुपा नहीं है। गुरु एक ताकत है जिसको इंग्लिश बोलते हैं वैसा ज्योति, हर मजहब की शादी है, किसी की निराली नहीं है, लेकिन देखो भाई पहले गुरु को बाहर जाओ, बाहर प्रेम करोगे, और बाहर प्रेम नहीं करोगे तो अंदर में प्रेम कैसे मिलेगा, पहले बाहर प्रेम करो है तब जाकर अंदर प्रेम मिलेगा। बाहर तो दर्शन भी करने के लिए नहीं आते हैं तो अंदर में प्रेम कैसे आएगा, वही काला जाएगा गुरु धर करके। अब कहते हो हमें अनुभव हो रहा, किसके द्वारा, गुरु के द्वारा, अब गुरु कहना नहीं मानो कहा जाओगे, लेकिन फिर भी अगर सतगुरु है छोड़ेगा नहीं भाई, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। और दास इसी जन्म की बात करता है, इसी जन्म में निकालना है, दूसरे जन्म को किसने देखा है, जो कह रहे हैं उनकी बात नहीं, दास जो कह रहा है दास की है गुरु कृपा से, ये गुरु कृपा है, दास की महिमा नहीं है, दास की बड़ाई नहीं है। जो आप सबके समाने जो सेवादार हैं ये सब गुरु के हैं, जो भी जैसा है किसी को छोटा ना समझना। कोई झाड़ू लगा रहा है, आप बीए पढ़ लिए हैं, बोलते मैं अर्चन मूल कुंदा जानता है, लेकिन जो आप बीए पढ़ लिए आप नहीं काम कर सकते, एक झाड़ू लगाने वाला है वो काम करके दिखाएगा जो आप नहीं कर सकते हो, इसमें ऐसी बात नहीं, ये इसमें उसकी भार भक्ति की जाती है, कुछ भी नहीं करता, भजन नहीं करता है, लेकिन वो काम करेगा, वो बाण देगा जो आप भजन अभ्यास करते हो नहीं दे सकते हो, ये उसकी महिमा है। किस पे दया मेहर कर दे और कैसे किससे काम ले, उसकी मौज को किसी ने आज तक जाने नहीं पाया है, बेअंत बेअपार है,
लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? ध्यान कहाँ हो रहा है? कान में खुशबू झूल रही है, वो उंगली लगा रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, उधर उंगली लगा रहे हैं। अरे भाई क्या किया जा रहा है? बहने बहन की बात मानती नहीं, क्या करे? बहन दुखी है, वो इशारा भी दे रही है लेकिन फिर वो धीरे नहीं आ रहा है। बिटिया को समझाए, पहले पक्का कर दिया जाता है, फिर भी बिटिया मनमानी करती है। बताओ जब पक्की पढ़ लिख कर सब होशियार हो गई तो ध्यान देना चाहिए भाई। जब समय आधार के आधार पे जब मौजूद है के सामने जब आओगे तो उसे पता चल जाएगा, हाँ भाई ये बालक ये बिटिया इस योग्य हो गई है, ये संसार में नीचे नहीं गिर सकती है, इसको कोई हिला नहीं सकता है, इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, कितना भी कोई बिगाड़ने वाला है। जब सतगुरु के हवाले हो जाओगे आपका बाल बांका नहीं हो सकता है। सतगुरु वचन वैध विश्वास, सतगुरु के वचन है स्वीकार कर लो, अमर कर लो, लेकिन आप जान तो अभी काम करे कभी नहीं। वो वचन कब समय आएगा, कब उदय होंगे तब काम करेगा। आप सोचते अभी काम हो जाए, अभी जवाब मिल जाए, ऐसा नहीं है भाई। ये संतों का राज है, ये बीमारी कैसे वो कटवाता है बताओ? आपको पता नहीं वो कैसे भुगताएगा? एकदम भाई अगर नोट डाल देगा तो घबरा जाओगे, उठा नहीं जाएगा, फिर बाकी काम कौन करेगा? हाय हाय तौबा करोगे तो दूसरा काम छूट जाएगा। संसार वाला क्या देखे, तो सारा काम करते हुए भी हमें इससे अलग हो जाना है। समय ही न चावत राम गोसाई, जो सबका गोसाई है, जो सबका मालिक है भाई, लेकिन ये सतगुरु के द्वारा जाना जा सकता है, और बगैर सतगुरु के द्वारा भाई जाना नहीं जा सकता है। अब आजकल क्या होता है भाई, ये जहाँ संत महात्मा होते हैं सेवा बहुत आती है, हैं बड़े बड़े आश्रम बन जाते हैं इतना, और बहुत सा धन इकट्ठा हो जाता है, बहुत अच्छे अच्छे सेवादार हो जाते हैं, और संग जाते हैं, अरे भाई बहुत महाराज जी की भाई महिमा, बहुत भीड़ करती, बहुत अच्छे अच्छे कमरे बने हैं, रहने में गद्दे मिल रहे हैं, और किसी के पास झोपड़ी तक नहीं, माँ गुरु तेग बहादुर के पास कुछ नहीं, लेकिन का संभाल किसने की, जो बड़े बड़े डेरे वाले थे कुछ नहीं संभाल कर पाए, वो जहाज किसने उबारा? गुरु तेग बहादुर ने है? जब जहाज को उबारा, जब ठोकर लगाए तो देखो डट्टा पड़ गए जबरों का। तो जब काम बन जाता है ना, मंदिर में आते कहते हे देव मैया हमारा ये काम बन जाए ना, नौ दिन उपाधि हूं, नवरे व्रत करते हैं, लेकिन जो व्रत करना चाहिए उसे करते नहीं, उसकी निगाह नहीं ध्यान नहीं, चले भजन कर लेंगे कोई बात नहीं है, सुबह कर लेंगे, नींद आएगी, चलो टाइम गया स्कूल का, दोपहर में कर लेंगे, दोपहर में आए थक गए हैं, काम गया, मम्मी ने जवाब दिया बेटी आज ये काम करना है, धान काट रहे हैं, समय नहीं है, चलो 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 चलो, बताओ ये हालत है। सब काम छोड़ो एक काम करो, इतना जोर ले ये पैसा सामने जाएगा भाई, लेकिन कितना समय 5000 आगे बड़ा हिसाब से चैन बंद करे रखते, खाली ना हो जाए, मम्मी पूछती बेटी कितना पैसा, मेरे पास नहीं है, बिगड़ पड़ती है, है? अरे भाई बताने क्या, कौन लेने वाला है, ले सकता है, ले जाए तुम्हारा क्या ले जाए, ये धन क्या है, तुम्हारे पास तो नाम का धन है, वो मिस में कभी कभी नहीं गई, अब जहाँ नाम का धन है ये तो अपने आप चला जाएगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसकी, जब सतगुरु की दया और मेहर होती है तब है। हमारे गुरुदेव कहा थे बेटे आप किसके बालक हो, जब कोई जाएगा पूछेगा क्या कहेगा, बस किसके शिष्य हो क्या बताओगे, है तो बताने किसकी होगी, गुरु की है, गुरु ने उपदेश दिया जाए महुरा है, अब चले जाओगे ढीणपुरवा तो क्या हालत होगी, बेदा महुरा चले जाओगे ढीणपुरवा, गुरु क्या करेगा, कैसे साथ देगा, चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो, ढीणपुरवा यही है, यही पास में जंगल पास में ये ढीणपुरवा है, ये महुरा ये यहाँ है भाई, ये हार क्या कदूर करे, अब बीच में बस गए मकर नहीं तो क्या होगा, तो सतगुरु के बचने को जब चलोगे भाई तभी कामयाबी
मिलेगी तब तक नहीं मिलेगी। तो सतगुरु बचन वैद्य वचन मान लो छोड़ो मान। अब वैद्य नहीं है डॉक्टर जो दवा देता है, उसको खाओ देखो फिर उसको बताओ तो तरीका बताएगा ना। भजन अभ्यास करते हैं सेवादार को है सेवा बताएंगे, उनसे पूछो उनके नहीं समझ में आई है तो फिर आगे सूचना करेंगे। अब नीचे है आपके गांव में है समाज में एरिया में थाना आए किस लिए, कोई काम हो जाता पीस में जाते हो थाने में भीड़ तो लगाते हो और लेकिन यहाँ सब छोड़ दिया सीधे गए तो थाने वाले कहेंगे ना मेरे को सूचना गई और उल्टा डांटेंगे, पहले शिकायत करो कहने को तो मौका नहीं आएगा मैंने बता नहीं है काम हो जाता है। तो भाई ऐसे सीढ़ी भाई चल पाओगे, ये एक डंडे पे चढ़ना आया नहीं पांच डंडे पे कैसे कदम रखोगे, गधे फाड़ जाएंगे हमें बताओ भाई क्या हालत होगी। बड़े होशियार बनते हो संत मत के दरबार में होशियारी नहीं चलेगी, हाँ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे भाई। सतगुरु भाई सब व्यापक सकता है कण कण में जो विराजमान है उससे महान तो संसार के अंदर कोई भाई है ही नहीं। तो भाई समय के आधार पे गुरु कृपा से देखो सेवादार है धीरे धीरे जो जिम्मेदारी है समय के आधार पर अपना अपना काम करना है गुरु कृपाई सत्संगति। तो देखो अब थोड़ी देर के लिए गुरु कृपा से जिन्हें पांच नाम का सुमिरन मिला हुआ है, हैं पांच नाम का कौन घर में घर दिखलावे सो सतगुरु पुरख सुजान पंच सबकार बाजे सब अनुसार। जब ऐसा पंच शब्द भेद मिलेगा ना तो इसी गली के अंदर घर दिखा देगा, वो घर साथ नहीं जाएगा ये घर आपका साथ जाएगा, इसी के अंदर सब कुछ है गुरु के पास। उस सतगुरु को पकड़ो जो शरीर की घर के अंदर बाहर करे और इसी के अंदर दिखा भी सुनाए, ऐसे सतगुरु का साथ निरत और सूरत का मार्ग देता है, इसको पकड़ लो। तो भाई गुरु कृपा से आप सभी थोड़ी देर के लिए ध्यान बैठ जाएं, ध्यान बैठ जाए आग बंद कर ले और सुमिरन करें आग बंद करके दानी बार से। आंख बंद करके बैठना है, इस सीना आपकी कहां कहां जाएगी कोई पता नहीं है। चलो भाई सभी ध्यान हटा दें गुरु कृपा से, आगे जो भी सेवादार है आगे सेवादार बता देंगे, जो भी सेवादार है आपको सूचित कर देंगे गुरु कृपा से। हट जाओ सामने मुख लाने को खड़े हो लाने में लाने खड़े करो लाने लगाओ नहीं तो खड़े हो चलो कोई बात ना निकल जाए नाच पूरा हुआ लग जा
बाबा लाइन में आओ, यहाँ तो सभी आत्मा है मैं। जब सभी आत्मा है तो अपने अपने लाइन को आप लोग ध्यान दो। अब बनी है वीडियो, आज निकल जाओ, शिकायत आई है वीडियो में बहुत बहुत दूर थे जो लोग पहले जुड़े हुए हैं वो डिटेल मेरी वीडियो पर ही है। आदि नौ है, आदि नौ है, आदि तेरह पॉइंट पकड़ने के लिए चल रही है। बाजार फल के लिए भेजा तो वो दुकान में गया, फल मांगा तो दुकानदार ने कहा भाई पैसे दो। उसने कहा पैसे तो नहीं है। तो दुकानदार ने कहा फिर फल कैसे नहीं भेजा। वो वापस खाली हाथ अपने पिता के पास आया। पिता ने पूछा बेटा फल ले आए? नहीं पिताजी, नहीं लाए। क्यों बेटा? बोले फलों की दुकान तक मैं पहुंचा तो लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, आए तो पैसे वापस करो। पिता ने कहा पैसे दो, तो बेटे ने कहा पैसे टच फोन में के चैनल कहाँ के नाम थे चैनल बनवाओ, अच्छा लगा वहाँ चैनल सब्सक्राइब करो। पैसे दिए किसके लिए थे? फलों के लिए। सारी वीडियो आगे जितनी पड़ी है ना पहले वाली सारी वीडियो के नाम ये छोटी सी कथा जो आपने समझ ली। अब मैं इसे अपने जीवन की कथा से जोड़ता हूँ, समझिएगा। कौन की? एक पिता ने अपने बेटे को कितने रुपए दिए था? दो से 100 रुपए। वो पिता है परमात्मा, पर वो बेटा है आप सब हम। 100 रुपए देके भगवान ने हमें भेजा है। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। किसी को 100 साल, किसी को 50 साल, किसी को 80 साल, किसी को 100 रुपए, किसी को 70 रुपए, किसी को 80 रुपए, किसी को 40 रुपए। जितनी आयु है उतने रुपए। आपको भगवान ने कहाँ भेजा है? बाजार। ये सांसारिक बाजार है। ईश्वर ने 100 रुपए देके हमें बाजार भेजा है। किसके लिए? फल लाने के लिए। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों का फल। अच्छे 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 कर्म करो पर अच्छे अच्छे कर्मों का फल पूरी मस्त गोविंद। तो अच्छे अच्छे कर्मों का फल लाने के लिए भगवान ने हमें संसार में भेजा। लेकिन यहाँ पर हमने एक मदारी का खेल ही देख लिया। ये मदारी का खेल क्या है? पति पत्नी गृहस्थी। ये गृहस्थी मदारी का खेल है। 23,000 का बोलो गृहस्थी क्या है? इसके मुकाबले बिना उसका 23,000 बोलो माया। 10,000 का छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं। मम्मी बोलती बेटा नाचो, बच्चा नाचो। चोरी होगा तुम्हारे पापा का फोन। यहाँ देखो भाई कर्मों की बात नहीं है, यहाँ में शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है। किस भगवान ने क्या कहा है कि शुभ कर्मों का खाता अलग होता है, अशुभ कर्मों का खाता अलग होता है? ऐसा कर्म करेंगे आपके शुभ कर्म करेंगे, अच्छे बुरे कर्म रहेंगे। अच्छे कर्म वाले से भी आना पड़ेगा, शुभ कर्म वालों को भी आना पड़ेगा और बुरे कर्म वालों को भी आना पड़ेगा। कर्म को ही जगा दो, कर्म की कोई बात ही नहीं रहने पाएगा। जब कर्म की बात नहीं रहेगी तो आत्मा को फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। कर्मों की जलाने की कोशिश करो, शुभ अशुभ के कर्मों में न फंसो। ये कुछ भगवान का उद्देश्य तो महात्माओं की बचने का। आप बड़े गौर से सुनो, जब भी होता है हर जगह कुछ भगवान बार बार उपदेश दे रहे हैं। हमारे लिए देरी है, दो भाग बनाए हैं 25-25। शुभ कर्म जो है वो सोने की देरी है और अशुभ कर्म जो है वो लोहे की देरी है। लेकिन हर बंदे में देरी, मैं भेज दूंगी वीडियो। लोहे की देरी में पकड़ करके जाओगे तब भी आपको देरी है, सोने की देरी पकड़ के जाओगे तब भी देरी है। दिमाग करके खा एक वीडियो 25 मिनट की है, 7 मिनट खाती है डालने के लिए। एक इसमें अलग से डलवाना पड़ा है, वाई फाई से डले वीडियो है। ऐसे 1.5 GB मिला है आपके यहाँ पर चल रहा है? हम लोग जियो जियो की सिम चल रही है। एयरटेल दो है, जियो एयरटेल की ना चल रही है। फोन में बहुत कहीं भी ना चल रही है। चला तो दिया, चला दिया।
अभी अपने हमारे थोड़ा फोटो खींचूंगा हम लोग कल कहाँ तक साफ करूँ तुम्हें चेहरा चेहरा ऐसे गुरु जी को चेहरा कहाँ तक साफ करूँ खुद सफा कर करके जरूर ऐसे देखो भैया भाव चांद बात रखे जाए दांत तो सही आ जाएंगे कोई बात नहीं घबरा में सब सही हो जाएगा फोटो तो अच्छा है कैमरा की क्वालिटी में ये फोन सही है मेरा फोन कितने का ये 14-15 हज़ार का आसपास आया था बाबा तो बाबा बढ़ेंगे तुम्हारे पास बोले मारने के लिए कितनी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं बाबा के पास मारने के लिए भाई खेल मुठल काम ठीक नहीं।